वेलकम फ्रेंड्स, आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और आज मैंने थोड़ा सा बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है इसको उल्टा कर दिया है और थोड़ी सी नई जगह पे हम आ चुके हैं। तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि बोर्ड पे फोकस करना पहली बात बनती है हमारी। तो हमारे जो पिछली वीडियोज़ में बोर्ड अच्छे से फोकस नहीं हो पाता था, तो आई थॉट की थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर लें, देखते हैं क्या होता है। तो हमारा आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा और ख़त्म भी कर लेंगे एक दो लेक्चर्स में हम इस चीज़ को भी। तो आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बना सकें। मैं हूँ वकील इस्लाम और आप देख रहे हैं फिज़िक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन आई। तो इस ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमारे 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, इस 5 मार्क्स को हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस चैप्टर को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 यूनिट्स में। एक तो सबसे पहले आई पढ़ेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग, उसके बाद जो डिफेक्ट्स है विजन में वो पढ़ेंगे और उसका करेक्शन, और उसके बाद कुछ फिनोमेनन्स है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थोड़ा सा स्मार्ट वे में पढ़ना होगा, डिटेल में नहीं जाना होगा ज़्यादा, ताकि हम कम समय में अच्छा सिक्योर कर सकें। तो अब यहाँ पर ह्यूमन आई हम स्टार्ट करते हैं। तो ह्यूमन आई मैंने यहाँ पर एक थोड़ी सी डायग्राम बनाई हुई है, ये यहाँ पर हमारा ये डायग्राम है ह्यूमन आई की। ठीक है, ह्यूमन आई। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या क्या कंपोनेंट्स इस ह्यूमन आई के और जो हमें पढ़ने भी हैं। सबसे पहले बाहर का जो सरफेस होता है उसको हम कॉर्निया कहते हैं, जहाँ से लाइट इंटर होती है। हमने आँख देखी होगी ना आपने इस तरह से, तो ये इस यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ये हम पढ़ रहे हैं, ये दिस इज़ आई। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस, बस दिस जस्ट दिस इज़ आई। सो यहाँ पर अब देखो, ये जो है इसके ऊपर एक सरफेस होती है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट सरफेस, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ से लाइट इंटर होती है, उसके बाद ही आयरिस होता है। आयरिस जो कलर्ड पार्ट होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, तो डिफरेंट कलर्स होते हैं आइज़ के। और बीचों बीच एक पार्ट होता है जिसको हम पिपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिपिल। ओके, बात आई समझ। और उसके पीछे आई लेंस होता है, जो हमारा आई लेंस है वो इस पीपल के पीछे होता है। तो यहाँ पर आई लेंस होता है और उसके ऊपर 2 मसल्स होते हैं, यानी दोनों साइड से, आई मीन टू से, जिनको सीलेरी मसल्स कहते हैं। और पीछे एक स्क्रीन होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं। तो इस तरह से हमने स्टडी कर रहे हैं, हर एक का काम क्या है, हर एक का काम हमसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया जाएगा कॉर्निया। तो अगर हमें ये पूछा जाए लाइट कहाँ से इंटर करती है, लाइट कहाँ से इंटर करती है, तो आंसर होगा हमारा कॉर्निया से। कहाँ से? कॉर्निया से लाइट इंटर करती है। उसके पीछे हमारे पास आयरिस होता है और बीच में पिपल होता है। तो फंक्शन ऑफ आयरिस एंड पिपल, आयरिस एंड पिपल। तो पिपल जो आई के बीचों बीच पार्ट होता है उसको पिपल कहते हैं, और उसका कलर ब्लैक होता है। हर किसी के हर कोई जो होता है उसका जो कलर है ब्लैक होता है, ब्लैक कलर। सो यहाँ पर ब्लैक कलर इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती, जितनी लाइट आती है वो पास हो जाती है पिपल से। तो काम क्या है आयरिस और पिपल का? आयरिस और पिपल का काम ये है कि इस पिपल का साइज़ बढ़ता भी है और इस पिपल का साइज़ छोटा भी होता है। दैट मीन्स इस पिपल को ये पिपल एडजस्ट होता है एज़ पर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी जितनी इंटेंसिटी होगी सो पिपल एडजस्ट एज पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब हम किसी डार्क रूम में होते हैं उस डार्क रूम में इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है, तो ये जो पिपल है ये उस वक्त बड़ा होता है। ठीक है, और जब हम बाहर निकल आते हैं डार्क से
लाइट की ओर, तो ये पिपल छोटा हो जाता है क्योंकि उस वक्त इसको कम लाइट अंदर लेनी है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ भी जाता है और फिर छोटा भी हो जाता है। लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करता आयरिस साहब, कौन करता है? सो आयरिस रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ पिपल एंड पिपल बड़ा हो जाता है और छोटा हो जाता है एज़ पर द कंडीशंस। यानी लाइटिंग कंडीशन ज़्यादा होगी तो ये छोटा हो जाता है और ज़्यादा डार्क कंडीशंस होगी तो उस वक्त ये बड़ा हो जाता है। तो इट टेक्स इस लिटिल बिट ऑफ टाइम। इसी वजह से जब हम किसी रूम में होते हैं जो डार्क रूम होता है, फिर हम बाहर चले आते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते, या बाहर होते हैं अंदर चले जाते हैं डार्क रूम में तो वहाँ पर हमें चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं दिखती है क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम एडजस्ट होने में लग जाता है। तो ये इसकी फंक्शन है, इसकी जस्ट ये फंक्शन आपको याद रखनी है। उसके बाद ही हमारे पास आई लेंस है। क्या है? आई लेंस। उसके बाद तो आई लेंस तो आपको पता ही है। तो ह्यूमन का जो आई लेंस होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, आप देख भी सकते हो ये कौन सी शेप है। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर एक लेंस का तो फोकल लेंथ होता है, बताओ ह्यूमन आई का जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ कितना होता है? उसका फोकल लेंथ फिक्स्ड नहीं होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल फोकल लेंथ होता है। इस चीज़ को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा, उतना कम पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी पावर होगा, पावर ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है आई लेंस। तो फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पावर ऑफ कन्वर्जेंस कम होगा। दैट मीन्स जब हमें दूर की चीज़ों को देखना होगा उस वक्त चीज़ों को हमें, यानी हमारी जो लेंस है उसको ज़्यादा कन्वर्ज करने की ज़रूरत नहीं है। रेज ऑफ लाइट इस तरह से आ जाएंगी, लेंस यहाँ पर होगा तो इसको कन्वर्ज ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें कन्वर्ज करके इमेज रेटिना पर बनानी है। ठीक है, तो जब हम दूर से देखते हैं चीज़ों को, हमारी जो आई होती है वो रिलैक्स स्टेट में होती है, हमारी जो लेंस होती है रिलैक्स स्टेट में होती है, तो उस वक्त हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? उस वक्त जो हमारी जो लेंस होती है वो थिनर होती है। क्या होती है? थिन होती है, इस तरह से, क्योंकि जब थिन होती है ना लेंस उस वक्त फोकल लेंथ ज़्यादा होता है। थिन के वक्त फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो। देखो जब थिन है तो इस तरह से सर्कल पूरा करेगा, यहाँ पर 2f बनेगा कहीं पर, तो f ज़्यादा होगा। बस आप इतना याद रखो, थिन में फोकल लेंथ ज़्यादा होगा और जब ये थिक होगा उसका फोकल लेंथ कम होना है, क्योंकि जब हमें नज़दीक की चीज़ों को देखना है ना उस वक्त हमारा जो पावर ऑफ कन्वर्जेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि नज़दीक की चीज़ें हमें इस तरह से आ जाएंगी। रे ऑफ लाइट अगर हम रे डायग्राम में दिखाएं, पैरेलल नहीं होंगी, इस तरह से किसी पॉइंट से आ रही है तो ये फैली हुई है ना, इसका मतलब इसको ज़्यादा कन्वर्ज करना है, तो इसको ज़्यादा कन्वर्ज करना है अभी से लेकर, क्योंकि अभी तो ऐसी थी, थोड़ा सा डायरेक्ट अभी ऐसे चल रही है चीज़ें, और इसको ऐसे ले जाना है। सो दैट मीन्स इसके पास जो पावर ऑफ कन्वर्जेंस होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो तब हो सकता है जब फोकल लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ कम होगी, इस चीज़ को समझो, तो वो तब होगी जब हमारी लेंस थिक होगी, मोटी हो जाएगी। दैट मीन्स फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, पावर ऑफ लेंस को एडजस्ट करने के लिए हमें लेंस को एडजस्ट करना होगा। अब ये चीज़ कैसे एडजस्ट हो जाएगी? इसके लिए सीलियरी मसल्स है। दैट मीन्स ये अभी रिलैक्स स्टेट में था, ऐसे कंट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह ऐसे, तो यहाँ पर लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस मोटा हो गया, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया, पावर इंक्रीज हो गया। तो एक क्वेश्चन तो ये है, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ बताई कैसे होता है, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि ये जो लेंस होता है ये वेरिएबल लेंस होता है, ठीक है, और फोकल लेंथ एडजस्ट करता है एज पर हमें चीज़ें कहाँ से देखनी है, दूर से देखनी है या नज़दीक से देखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक स्क्रीन होता है पीछे जो रेटिना है, तो रेटिना हमारा सिंपली स्क्रीन है जहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ आयरिस, पिपल, आई लेंस और रेटिना, तो आप क्या लिखोगे? रेटिना पे, क्योंकि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो रेटिना पे होती है।
समझ आई बात? यहाँ पर कौन सी इमेज फॉर्म होगी? यहाँ पर एक्चुअली रेज ऑफ लाइट इस तरह से आ जाती है और इस तरह से यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाती है. तो एक्चुअली रेज ऑफ लाइट आर मीटिंग, दैट मीन्स हमारी जो इमेज फॉर्म होती है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या वो वर्चुअल जो रेटिना है दैट एक्ट्स एज स्क्रीन. देयरफॉर हमारी जो इमेज होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है. क्या होती है? रियल एंड इन्वर्टेड होती है. इतना आपको याद रखना है. रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो जाती है. और यहाँ पर एक स्पॉट होता है, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. ब्लाइंड स्पॉट जिसके नज़दीकी ऑप्टिक नर्व होती है. तो ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है. ऑप्टिक नर्व ये ब्रेन की ओर जाती है और ब्रेन में सिग्नल्स इन्हें प्रोड्यूस करती है और ताकि हमें जो चीज़ें फिर दिखने लगती हैं. ठीक है, ऑप्टिक स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट. और यहाँ पर एक बात याद रखना, और यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ सेल्स होती है. एक होती है रॉड्स एंड कोन्स. रॉड सेल्स एंड कून सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. रॉड सेल्स एंड कून सेल्स कहाँ पर होती है? रेटिना में. कहाँ पर? रेटिना में. तो कून सेल्स जो है ये रिस्पॉन्ड करते हैं टू द कलर. किस कलर की चीज़ है आप देख रहे हो? अरे ये रेड है, ये ब्लैक है, ये वाइट है. वो चीज़ कौन एडजस्ट करती है? वो चीज़ कौन देखती है? कून सेल्स. और हमारे पास होती है सेल एक, उसको रॉड सेल्स कहते हैं. इट रेस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. रेस्पॉन्ड्स ये बहुत आसान याद रखें. सी फॉर कलर, रेस्पॉन्ड्स टू इंटेंसिटी. ठीक है, इतना आपसे पूछा जाएगा. इससे बाहर कोई भी चीज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी. एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करता हूँ. सबसे पहले बाहर हमारे पास कॉर्निया होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है. एक बात याद रखना, कॉर्निया पे भी थोड़ी सी रिफ्रैक्शन हो जाती है, थोड़ी सी कन्वर्जेंस हो जाती है, क्योंकि ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है. ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्निया है, उसके बाद आयरिस है, उसके बाद आयरिस है. आयरिस के बीच बीच हमारा पिपल होता है. ये आयरिस कलर्ड पार्ट होता है, इस तरह से आँख है. ये जो कलर्ड पार्ट होता है ना, दिस इज आयरिस एंड दिस इज पिपल. तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है पिपल का, कि ये इंटेंसिटी को एडजस्ट करता है, कि कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है लाइट की, उसी हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट करता है, क्योंकि लाइट को इसी से यहाँ से जाना है. और उसके पीछे फिर कॉन्वेक्स लेंस होता है, जहाँ से दोनों साइड में सीलेरी मसल्स होते हैं. सीलेरी मसल्स एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को, और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास कन्वर्ज करता है जो भी रेज ऑफ लाइट आती है. तो कन्वर्ज करके इसको एक पॉइंट पे मीट करना पड़ता है, जिस पॉइंट का हम रेटिना कहते हैं. तो यहाँ पर रेटिना है. ठीक है, ये रेटिना में दो टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, रॉड सेल्स, कून सेल्स. ये रेस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी एंड दिस रेस्पॉन्ड टू द. नाउ हमारा हम देखते हैं कि रेंज ऑफ विजन कितना होता है. रेंज ऑफ विजन, इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो रेंज ऑफ विजन जो है हमारा, दूर का जो विजन है वो रेंज है, यानी फारदेस्ट पॉइंट जो है, फारदेस्ट पॉइंट है इन्फिनिटी. क्या है? इन्फिनिटी, दैट मीन्स बहुत दूर तक. और दूसरा नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई जो होता है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर अबाउट. ये पॉइंट आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा गया भी है और पूछा जा सकता है कि नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है. नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई होता है 25 सेंटीमीटर. ठीक है, और फारदेस्ट पॉइंट जो होता है दैट इज़ इन्फिनिटी, दैट मीन्स हम बहुत दूर तक चीज़ों को देख सकते हैं. ओके, ये चीज़ हमें याद रखनी है. उसके बाद एक टर्म होती है, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन. क्या? एकोमोडेशन. सो व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारी जो फोकल लेंथ है दैट इज़ बीइंग एडजस्टेड, उस चीज़ उसको कोई चीज़ एडजस्ट की जाती है हमारी फोकल लेंथ, तो सीलेरी मसल्स करती है. ठीक है, ये हमारी लेंस होती है, यहाँ पर सीलेरी मसल्स होती है, तो इस लेंस को एडजस्ट किया जाता है सो दैट इसका जो फोकस फोकल लेंथ है वो चेंज किया जाता है एज़ पर द कंडीशंस. तो जब हम दूर देखते हैं ना, तो हमारी जो आई होती है रिलैक्स्ड स्टेट में होती है, इसको कोई भी यानी मसला नहीं होता है.
آرام سے اپنی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. اس وقت ہم کہتے ہیں ہماری جو آئی ہے وہ ہے ان ایکوموڈیٹڈ اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے, سو دیٹ مینس آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب ایک ہیومن آئی بہت دور کی اور دیکھ رہی ہوتی ہے, انفینٹی کی اور دیکھ رہی ہوتی ہے, تو اس وقت بتاؤ یہ اکوموڈیٹڈ ہوتی ہے ان اکوموڈیٹڈ اسٹیٹ میں؟ تو ہم کہیں گے یہ ان اکوموڈیٹڈ اسٹیٹ میں ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جب یہاں پر ہم نزدیکی اور دیکھتے ہیں اس وقت یہ جو ہے کمپریس ہو جاتی ہے اور یہ لینس موٹی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا فوکل لینتھ ڈیکریز ہو جاتا ہے اور پاور آف لینس انکریز ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اکوموڈیشن ہو جاتی ہوئی ہوتی ہے. دیٹ مینس ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو اکوموڈیٹ کرنا, سو یہاں پر اکوموڈیٹ کیا گیا ہے, فوکل لینتھ کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر اتنا سارا ہمیں یاد رکھنا ہوگا. اور ایک پوائنٹ کہ ہمارے پاس دو آنکھیں ہوتی ہیں, ایک کیوں نہیں؟ دیکھو سب سے پہلا ریزن اس کا کہ اگر خالی ایک آنکھ ہوتی تو ایک آنکھ سے ہم خالی 150 ڈگری اینگل کا اینگل دیکھ پاتے. ٹھیک ہے, بات آئی سمجھ؟ 150 ڈگری کا, اور اگر دونوں ہوں گی تو ہم برابر 180 ڈگری. تو دیٹ مینس رینج آف جو ویژن ہے, جو ایریا ہے, وہ ہمارا بڑھ جاتا ہے دونوں آنکھوں سے. دوسرا پوائنٹ, جب ہماری آنکھ دو آنکھیں ہوتی ہیں تو دو آنکھیں ہمیشہ ہوتی ہیں, تو دو آنکھوں کی وجہ سے ہم کسی ایک پوائنٹ پر فوکس کر دیں دونوں آنکھوں سے, تو ہم کسی چیز کو بہت ہی اچھے سے انالائز کر سکتے ہیں, کر پاتے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا, مطلب یہاں سے دیکھتا ہے, یادیں ہوتے ہیں جو نقل کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں سے ایک کی اور نظر اور یہاں سے دوسری کی اور نظر, ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دیٹ مینس جب ہم کسی چیز کی اور فوکس کر رہے ہیں کلیئرلی, ہم اسی چیز کے لیے فوکس کر رہے ہیں, دیٹ مینس دونوں آنکھیں ایک ہی پوائنٹ کی اور فوکس کر رہی ہوں گی. تو یہ چیز تھی ہماری آئی کے اندر. اب ہم سیدھے ڈیفیکٹس پڑھتے ہیں, جو ڈیفیکٹس آف ویژن ہے. ڈیفیکٹس آف ویژن, نمبر فرسٹ ڈیفیکٹ ہے مایوپیا. مایوپیا جس کو ہم شارٹ سائٹڈنیس کہتے ہیں, سائٹڈنیس کہتے ہیں. سو مایوپیا شارٹ سائٹڈنیس, اس کا مطلب کیا ہوا؟ شارٹ سائٹڈنیس یعنی نزدیکی چیزیں اچھے سے دکھتی ہے, دور کی چیزیں اچھے سے نہیں دکھ پاتی. سو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہونا. سو آپ سے ڈائریکٹلی کبھی پوچھا جا سکتا ہے جو مایوپک آئی ہے کیا وہ نزدیکی چیزیں دیکھ سکتی ہیں یا دور کی چیزیں دیکھ سکتی ہے؟ آپ کہو کہ وہ نزدیک کی چیزیں اچھے سے دیکھ سکتی ہے اور دور کی چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے نہیں دیکھ سکتی. سو مایوپیا وہ ڈیفیکٹ ہے جس میں ہمارا جو فار پوائنٹ آف آئی ہوتا ہے, یعنی جو انفینٹی پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, دور دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں اچھے سے نہیں دکھ پاتی ہے وہ چیز. تو یہاں پر مایوپیا میں ہوتا کیا ہے اصل, تو اس کا جو کاز ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو کنورجنگ پاور آف لینس ہوتا ہے وہ انکریز ہوا ہوتا ہے. کیا ہوا ہوتا ہے؟ انکریز ہوا ہوتا ہے, یعنی کنورجنگ پاور لینس کا, جو آئی لینس ہے اس کا کنورجنگ پاور انکریز ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے کیسز میں یہاں پر جو سیلیری مسلز ہیں, میں نے آپ سے کہا یہ چیز, میں نے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھائی کہ جو ہماری سیلیری مسلز ہے یہ ایڈجسٹ کرتی ہے فوکل لینتھ کو. یعنی جب ہم دور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ریلیکسڈ اسٹیٹ میں آنا ہے, ان سیریئرلی مسلس کو ریلیکس اسٹیٹ میں آنا ہے تاکہ یہ جو آئی لینس ہے تھنر ہو جائے. کیا ہو جائے؟ تھن ہو جائے. اور جب یہ تھن ہو جائے گی اس کا فوکل لینتھ انکریز ہو جائے گا اور پاور آف کنورجنس وہ ڈیکریز ہو جائے گا, یعنی زیادہ کنورج نہیں کرے گی. لیکن سیلیری مسلس اچھے سے ریلیکس نہیں کر پاتی, تو ہوتا کیا ہے, جب ہمارے پاس ریز آف لائٹ فرام انفینیٹی سے آتی ہے تو یہاں پر ہماری آئی ہے, یہ لینس ہے, یہ ہمارا ریٹنا ہے فار ایگزامپل, تو یہاں پر یہ اچھے سے ریلیکس نہیں کر میں نے کیا ہوتا ہے, اس میں کنورجنگ پاور زیادہ ہوتا ہے, ہماری جو امیج ہے وہ فارم ہوتی ہے ریٹنا سے آگے. تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جو مایوپک آئی ہے اس کی امیج جو فارم ہوتی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں گے وہ ریٹنا سے آگے فارم ہوتی ہے, وہ ریٹنا پر برابر فارم نہیں ہوتی, دیٹس وائی ہم وہ چیز اچھے سے نہیں دیکھ پاتے دور کی چیز کو. سمجھ آئی بات؟ تو یاد رکھنا ہے کہ کنویکس لینس جو ہوتا ہے وہ اچھے سے ریلیکس نہیں کر پاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا پاور زیادہ ہی رہتا ہے فار
دور کی چیزوں کے لیے. تو اس کی وجہ سے جب کوئی دور کی چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے تو کنورجنگ پاور زیادہ ہے تو امیج کی جو فارمیشن ہے وہ ریٹنا سے بھی آگے ہو جاتی ہے اور وی آر ناٹ ایبل ٹو سی تھنگس کلیئرلی. پتہ ہی سمجھ. تو یہاں پر یہ شارٹ سائڈنیس ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارا کاز ہے ڈیو ٹو ہائی کنورجنگ پاور آف لینس, ڈیو ٹو ہائی کنورجنگ پاور آف لینس. اب اس چیز کو ریکٹیفائی کرنا ہے. اچھا اگر اسی آئی کا, اگر اسی آئی کا ہم نزدیک والا دیکھ لیں اس طرح سے, اب یہ اس طرح سے آئی ہے, اگر یہ زیادہ کنورج کرے گا بھی تو کنورج کچھ اس طرح سے ہو کے, کیونکہ ایسی آئی ہے نا چیزیں, کنورج تو اتنا ہی کرے گا لیکن نیئر پوائنٹ کے لیے ہماری جو امیج ہے وہ ریٹنا پہ ہی بنے گی. دیٹ مینس اس کا جو نیئر پوائنٹ ہوتا ہے وہ کریکٹ ہوتا ہے. سو شارٹ سائٹڈنیس نیئر چیزوں کو اچھے سے دیکھ پائے گی لیکن دور کی چیزوں کو یہ والی آئی اچھے سے نہیں دیکھ سکتی ہے. تو اس چیز کو ہم کس طرح سے کریکٹ کریں, اس چیز کو ہم کریکٹ کون سا لینس لگائیں. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ دیکھتا ہے اس کو مایوپیا ہے یا ہائپر میٹروپیا ہے, تو ٹیسٹس کرتا ہے, اس کے بعد ایک لینس بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ لینس بناتا ہے. کون سا لینس؟ کونکیو لینس. تو ہم یہاں پر اس لینس سے پہلے ایک کونکیو لینس لگاتے ہیں. تو یہ اس کی کریکشن ہے, یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے. آپ سے ڈائریکٹلی پوچھا جائے گا بتاؤ مایوپک آئی کو کریکٹ کرنے کے لیے ہم کون سا لینس لگاتے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ ہم جو لینس لگاتے ہیں وہ ہے کونکیو لینس. تو کونکیو لینس کا کام کیا ہوتا ہے, جب ریز آف لائٹ آتی ہے یہ ریز آف لائٹ کو ڈائیورج کرتا ہے. یاد ہے لائٹ میں پڑھا تھا ڈائیورج کرتی. اب جب یہ ڈائیورج ہوئی ہے پہلے سے, اب یہ زیادہ کنورج کرے گی بھی پھر بھی کہاں پر بنے گی امیج, کیونکہ اس طرح سے آئی ہوئی ہے. اب اس طرح سے, اچھا ابھی یہ ایسی آ رہی تھی تو ابھی اس کو جب یہ کنورج ہو رہا تھا تو ریٹنا سے پہلے بنتی تھی امیج اس طرح سے کہیں پر, لیکن اب ایسی آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ کنکیو لینس نے اس کو پہلے ہی ڈائیورج کیا ایک پوائنٹ, اس کی وجہ سے امیج اب فارم جو ہو رہی ہے ریٹنا پہ ہو رہی ہے. تو شارٹ میں یاد رکھو کہ سب سے پہلا پوائنٹ مایوپیا میں ہاف کا جو فار پوائنٹ ہوتا ہے, ڈسٹنٹ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ اچھے سے نہیں دیکھ پاتے, ٹھیک ہے. کریکشن جو ہوتی ہے وہ کونکیو لینس سے ہوتی ہے, کونکیو لینس سے کریکشن ہوتی ہے. میں نے ڈائیگرامیٹکلی بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے یہ ہمارا ریٹنا ہے. آئی بات سمجھ. اس کے بعد جو دوسرا ڈیفیکٹ ہے, جو ہمارا دوسرا ڈیفیکٹ ہے وہ ہائپر میٹروپیا. کون سا پیا؟ ہائپر میٹروپیا. کون سا پیا؟ تو ہائپر میٹروپیا میں کیا ہوتا ہے کہ لانگ سائٹڈنیس, ہائپر میٹروپیا, ہائپر میٹروپیا میں ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہم کہتے ہیں لانگ سائٹڈنیس, یعنی ہم دور کی چیزوں کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں لیکن نزدیکی چیزوں کو اچھے سے نہیں دیکھ سکتے. ہائپر ہائپر نہیں ہونا چاہتا تو ہائپر میٹروپیا. تو کاز کیا ہوتا ہوگا اس کا؟ سمپل کاز ہے کہ جو کنورجنگ پاور آف لینس ہے وہ کم ہوتا ہوگا, کیونکہ لینس تو وہی ہے کونویکس لینس, یہاں پہ اس کا کنورجنگ پاور کم ہو جاتا ہے. تو جب ہم نزدیکی چیزوں کو دیکھتے ہیں, جب ہم نزدیکی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس طرح سے, چونکہ کنورجنگ پاور کم ہے تو امیج کو فارم ہونا تھا ریٹنا پہ لیکن یہ ریٹنا کے پیچھے کہیں پر بنتی ہے. دیٹ مینس ایگزیکٹلی جو امیج بننا تھا ریٹنا پہ وہ فارم نہیں ہوتی ہے, دیٹس وائی ہمیں بلر شیپ آ جاتی ہے امیج کی, بلر جو ہے ہمیں دکھنے لگتا ہے. تو کاز کیا ہے؟ کیونکہ ڈیو ٹو لو کنورجنگ پاور, کنورجنگ پاور. دیٹ مینس جب اکوموڈیشن کرنی ہوتی ہوگی آئی کو تو سیلری مسلز اچھے سے کمپریس نہیں ہوتے ہوں گے, اور جس کی وجہ سے یہ جو ابھی پتلی تھی اب اس کو موٹا ہونا تھا نزدیک دیکھنے کے لیے تاکہ فوکل لینتھ ڈیکریز ہو جاتا اور پاور آف لینس انکریز ہو جاتا, لیکن یہ چیز اچھے سے نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے پاور آف لینس کم ہی رہتا ہے اور پاور آف کنورجنس کم رہتا ہے. تو
उसकी वजह से इमेज पीछे कहीं पर बनती है। अब इस चीज़ को करेक्ट करना है, हम चाहते हैं कि हम तो कन्वर्ज कर रहे हैं लेकिन हमारी ज़्यादा कन्वर्जेंस नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, एक और कॉन्वेक्स लेंस सामने लगा देंगे, ये पहले ही इस चीज़ को कन्वर्ज करेगा, पहले ही कन्वर्ज किया, अब ये फिर और कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके ये रेटिना पर बन जाएगी। तो आपको सीधे याद रखना है करेक्शन इज व्हाट, इसकी करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस से होगी, किससे होगी, कॉन्वेक्स लेंस से होगी, बात आई समझ, ये यहाँ पर। और इसी तरह से इसी का एक टाइप है, उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया सिंपली एक मायोपिया होता है, इसको हम कहते हैं ओल्ड एज मायोपिया। तो ओल्ड एज में भी ये चीज़ हो जाती है कि नज़दीकी चीज़ें अच्छे से नहीं देख पाते, क्योंकि एक सीलेरी मसल वीक हो जाती है ओल्ड एज की वजह से, और उसकी वजह से नज़दीकी चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपरमेट्रोपिया में बताओ फार पॉइंट ऑफ आई क्या 25 सेंटीमीटर होता है, हम कहेंगे नहीं, उससे दूरी होता है, क्योंकि दूर तो इसको अच्छे से बना ही देगी लेकिन नज़दीक में इसकी प्रॉब्लम है। सो जो इसका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, तो इस आई का, हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहता, उससे भी दूर चला जाता है। इसलिए आप देखते हो कुछ लोग फिर किताब को पीछे इस तरह से देखते हैं और वो अच्छे से देख पाते हैं, आई बात समझ। सो प्रेसबायोपिया भी मैंने कहा ये हाइपरमेट्रोपिया की ही तरह होता है, सीलेरी मसल वीक हो जाती है और हम नज़दीकी चीज़ों को नहीं देख सकते। अब यहाँ पर सवाल उठा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज़ें हों, मायोपिया भी हो और हाइपरमेट्रोपिया भी हो? तो बिल्कुल हाँ, दोनों चीज़ें भी हो सकती है। तो उस बंदे को क्या किया जाता है, उसको बाईफोकल लेंथ लगाते हैं, दोनों नीचे होता है उसका कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर होता है कॉनकेव, क्योंकि ऊपर तब देखेगा जब इसको दूर देखना है और नीचे ही तब देखेगा जब इसको कोई किताब पढ़नी है। तो हाइपरमेट्रोपिया यहाँ पर इसको करेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये किसे करेंगे, कॉन्वेक्स से, और यहाँ पर हमें दूर के लिए करेक्ट करना है, यानी मायोपिया को करेक्ट करना है, वो हम कॉनकेव से करेंगे, बात आई समझ। तो इतने ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और इतने ही पॉइंट्स में आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। तो अगर अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंटली भी पूछा जा सकता है, आपको बताया जाएगा सिंपली कि बताओ एक बंदे को मायोपिया है, क्या है, एक बंदे को मायोपिया है, तो बताओ उसके लिए जो हम लेंस लगाएंगे इनमें से कौन सा लेंस लगाएंगे। ऑप्शन नंबर वन मायोपिया है, मायोपिक आई, कौन सा लेंस लगाएं करेक्शन के लिए, टू डायोप्टर, ऑप्शन नंबर टू, थ्री डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी, माइनस 0.1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। तो हम सीधे कहेंगे हमें कॉनकेव लेंस लगाना, कॉनकेव यानी लगाना होगा लेंस इसको, और उसके लिए कॉनकेव लेंस की जो पावर ऑफ लेंस होता है वो नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ये वाला हम लगाएंगे। ये तो दोनों पॉजिटिव है, ये वाले और ये वाले भी, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब कॉनकेव लेंस होता है, और मायोपिक आई को हम कॉनकेव लेंस ही लगाते हैं। यही क्वेश्चन रिवर्स करके आपको हाइपरमेट्रोपिया में भी पूछा जा सकता है। सो ये हमारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी हमने कम्प्लीट किया। अब इसके बाद जो भी हमारे पास ये फिनोमेन्स दो तीन बचते हैं उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखने, इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होगा, इन्हीं पॉइंट्स में कोई ना कोई पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही ध्यान से आप कॉपी को मेंटेन करें और अच्छे से इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है। तो आई होप कि आपका लेक्चर अच्छा रहा होगा आज का भी। तो अब अगले लेक्चर में हम देखते हैं फिनोमेन्स और हम ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को भी। Thank you.